अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस तो क्या हाल चाल है, मैं दो तीन दिन से वीडियो में बस खाली भीग ही रहा हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, कभी कॉलेज से आते वक्त, कभी देवनार मंडी के साइड। तो अभी की वीडियो जो है वो खास करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये खास करके ये वीडियो होने वाली है गाइस गिव अवे पे, गिव अवे टी शर्ट गिव अवे पे। एक ब्रांड है जिसने कोलैब किया मेरे साथ और वो 10 टी शर्ट गिव अवे करने वाली है, लेकिन वो मोर और लेस वो सब बातें मैं एंड ऑफ द वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को। जस्ट इन्जॉय दिस वीडियो। बारिश हो रही है यहाँ पे, मैं गोवंडी में, मतलब अपने घर पे, गोवंडी मतलब मैं भी अपने घर पे हूँ यहाँ पे, और बालकनी में खड़ा हूँ, टेरिस पे बालकनी जो कह लो आप लोग। मैं यहाँ बारिश बहुत फटे हो रही, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। इसके बाद मैं आगे वीडियो शूट करूँगा, शायद ये वीडियो होने वाली है देवनार मंडी की, ये तो जो भी होगी देखा जाएगा। चलो इंट्रो। आज सुबह से बारिश हो रही है यहाँ पे और मैं आज बारिश की वजह से कॉलेज भी नहीं गया। और यहाँ पे देखो दो चिड़िया के बच्चे हम लोगों ने पाले थे, लेकिन ये आर्टिफिशियल है, कोई नहीं दिख रहा। देखो गाइस जितने यहाँ पे दुकान है, जितने भी घर है, जितने भी रोड है, वहाँ पे 7 नंबर रोड पे आप देख सकते हो, कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि सब बारिश में अपने अपने घर में छुप जाते हैं, नहीं तो फिर ऐसे खतरे के पत्रे के नीचे छुप जाते हैं ताकि भीगे ना वो लोग, लेकिन वो लोग बहुत डरपोक होते हैं। क्योंकि गाइस लाइफ को ऐसे इन्जॉय करना चाहिए, मेरे ऐसा भीग भाग के इन्जॉय करना चाहिए। मैं बताता हूँ आप लोग को, बारिश में भीगा करो, बारिश में भीगने से बहुत सारे फायदे होते हैं, क्योंकि बारिश अल्लाह की रहमत होती है। यहाँ पे जब आप भीगते हो बारिश में, तो बारिश का पानी जो होता है वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन बहरहाल मेरा मोबाइल जो है वाटरप्रूफ नहीं है, इतना मैं वीडियो बना रहा हूँ मिलता बारिश। तो मोबाइल में जब पानी चले जाता है तो हम यहाँ से वीडियो है जो वाटर रिमूवल फ्रॉम फ़ोन करके एक ऑडियो रहता है, जिसको आप फुल वॉल्यूम पे कर दो और देख सकते हो आप किस तरीके से पानी यहाँ से निकलता है। देख रहे हो पानी किस तरीके से निकल रहा है, आप देख रहे हो। रुको जरा, सबर करो। अरे बाप रे बाप, ये देखो तो देख लिया आप लोगों ने पानी कितना भरी आता है। इसीलिए मोबाइल को जब भी आप लेते हो, कितने भी अच्छा वाटरप्रूफ फ़ोन हो, मतलब प्योरली वाटरप्रूफ फ़ोन हो तो अलग बात है, मेरे कहने का मतलब प्योरली वाटरप्रूफ फ़ोन हो तो अलग बात है, लेकिन जैसे कि आपका फ़ोन अगर आईफोन है 13 प्रो मैक्स, 12 प्रो मैक्स, जो कि प्योरली फुल्ली वाटरप्रूफ रहता है, वाटर रेजिस्टेंट रहता है, ये सब फ़ोन जो है वाटर रेजिस्टेंस, मतलब बहुत बोलते ना, सिर्फ टच उसका जो रहता है वाटर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन जब उसके माइक्स में पानी चले जाता है, जब उसके स्पीकर में पानी चले जाता है, तो फिर वो दिल धोक धोक होने लगता है। बहरहाल कोई नहीं, उसका पानी निकल ही जाएगा अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद ही, उसके बाद फिर मैं वीडियो शूट करूंगा आगे की, क्योंकि अपने वो क्या आपको वीडियो बनाने का। चल द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो दोस्तों मैं अभी गोवंडी स्टेशन से पैदल जा रहा हूँ घर, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा, मैं ऑलरेडी भीग चुका था, अब मैं सोचा थोड़ा बारिश का मज़ा भी ले लूँ। यहाँ पे मैं देवनार मंडी के साइड आया हुआ हूँ, सोचा यहाँ पे ब्लॉग बना लूँ, लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर ब्लॉग मैं अगले दिन आकर शूट कर लूँगा, मेरा पैर पूरा गिल्ला हो गया यार। तो दोस्तों वीडियो तो अभी बहुत धुंधली धुंधली दिख रही होगी, क्योंकि पानी पड़ा हुआ है, पूरे कैमरे पे साफ़ करना पड़ेगा मुझे अच्छी तरीके से, और मैं अभी बारिश में भीगते भीगते घर जा रहा हूँ। कभी कभार ऐसा भी इंसान को ये वाली फीलिंग भी ले लेनी चाहिए। तो मैं घर पहुँच करके नहाऊँगा धोऊँगा, उसके बाद फिर कल आऊँगा यहाँ पे एक फुल ब्लॉग बनाने के लिए, बकरी मंडी की फुल ब्लॉग बनाने के लिए। सो जस्ट स्टे ट्यून, देखते रहो, चलते। The next day. तो दोस्तों 3 बार बारिश में भीगने और 50 बार अपनी बुक भिगाने के बाद मुझे अक्ल आ गई कि मुझे अब अम्ब्रेला ले लेना चाहिए। तो अब से मैं अम्ब्रेला लेकर के जाऊंगा और बारिश में नहीं भीगूंगा। तो चलते हैं अब। आप लोग देख सकते हो बारिश कितनी भयंकर हो रही है, मतलब अगर मैं बिना छाते के जाऊं तो फिर मैं भीगा भागा हो जाऊं, रवीना टंडन बन जाऊं। तो इस वजह से मुझे छतरी लेना बहुत ज़रूरी है। बात तो सही है। दोस्तों बारिश तो अभी भरपूर हो रही है, कॉलेज की छुट्टी हो गई, पानी बहुत ज़्यादा,
वहाँ पहुँच करके आप लोगों से बात करता हूँ। सो लेट्स गो। Many hours later. जानू का बर्थडे है, मेरी जानू का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये जानू का बर्थडे कौन लाया? कौन लाया? कौन बताया आपको? हाँ, ये एक नंबर बर्थडे। कोई सेंस है इस बात का? बर्थडे है एक नंबर है ना? मेरा जैना जैना बाबू कितने साल के हो गए आप? 10 साल के हो गए। अच्छा, अरुणा ऐसा अगला ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जब मैं जानू लिखाने गया ना गुड्डू का, तो ऐसा मुंह देख रहा है मेरा, तो बोला भाई बच्ची है भाई। तेरा मोबाइल दे रहे गुड्डू का, मोबाइल दो वहाँ से। जेयू इतना भारी मोबाइल लेके तू वहाँ चार्ज पे लगाया। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह। देख चला ये वीडियो बना दे जानू, गजब बेइज्जती है। मीम बना डाला। अरे मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है जानू? बाबा जानू नहीं देखी मेरे को? क्या बेटा, कभी नसीब नहीं हुआ? दोस्तों आप लोगों ने जैसे कि पुरानी वीडियो में भी देखा कि कैसे आयशा पानी के अंदर डूब गई थी और गुड्डू उसको पकड़ के बोल रहे थे बेटा बेटा देखो गाइस मेरी बच्ची डूब गई गाइस। कैसा बाप है, मीम बनना चाहिए आप पे। मैं कैसा अब्बा हूँ, कितना अजीब अब्बा हूँ मैं। मोबाइल संभालूंगी क्या करूँ? सकीना खाओ, इधर आओ। नहीं मैं अब डाल दूंगा, मैं अब डाल दूंगा। क्या ना भाई, वीडियो में जरा जरा सी बात पे ना घर वाले लोग बुरा मान जाते हैं। जरा जरा ओके ब्रो, चूतिया बनाया तुमको। क्या कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलना पड़ेगा। आपकी बहुत डिमांड होगी मार्केट वालों। जब से आपने डेढ़ तोला सोना किए ना, तब से बहुत डिमांड होगी आपकी मार्केट में। ये केक था 600 रुपीज का। हाँ सही है, माशाल्लाह एक नंबर। रात हो चुकी है, 12 बज चुके हैं, बहुत आवाज आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। मतलब आपके लिए तो बस स्नैप होगा ऐसा। कैसा लगा आपका बर्थडे? कैसा लगा? मेरा अच्छा बर्थडे है, लेकिन मेरे रात को बर्थडे नहीं आएगा और फैजान का बर्थडे। अच्छा, आएगा लेकिन आयशा का। अच्छा आप कितने साल के हो गए? 2 साल का। 2 साल के? अभी 10 साल बोले थे। 5 साल के हो गए ना? मेरा बर्थडे खत्म हो गया था तब। 5 साल ओके बेटा, इसको देखो। तो ये जो चिकन फ्राई बना हुआ है वो खास करके जानू के लिए बना हुआ है, क्योंकि आज मेरी बच्ची का बर्थडे है। अच्छा लगा जानू आपको? मजा आया? कैसा आप चाप खाओ पहले, उसके बाद आपको भी लेके चलूंगा। ठीक है भाइयों, बारिश ही बारिश हुए जा रही है पिछले 5 दिन से मुंबई में, और साइन तो पूरा डूब चुका है, क्योंकि साइन और परेली है मुंबई में जो थोड़ा निचले वाले एरिए में है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ही पानी भरने के बाद वो जम जाया करता है। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा उसकी, थोड़ी बहुत इंक्लूड कर दूंगा ये वीडियो में। दोस्तों आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे एंड नहीं करूँगा वीडियो को। तो देवनार मंडी की भी वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह, अगर बारिश रुकी तो जाऊंगा, नहीं रुकी तो शायद ना जा पाऊँ, और 2-3 दिन बाद बकरीद आ जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैंने स्टार्ट में जो वीडियो बताया आपको कि गिव अवे करने वाला हूँ, जी हाँ मैं गिव अवे करने वाला हूँ। द ड्रीम बिग करके ब्रांड है,
वो टी शर्ट ब्रांड है, उसके प्रोडक्ट्स मैं गिव अवे करने वाला हूँ, ओनली टी शर्ट गिव अवे करने वाला हूँ बेसिकली। सो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, 500 सब्सक्राइबर्स होने के बाद मैं 1-1 टी शर्ट गिव अवे करते रहूंगा, और जैसे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे तो बाकी टी शर्ट मैं एक साथ पूरे के पूरे गिव अवे कर दूंगा। गिव अवे जो होगा वो आप लोगों में से कोई होगा, मेरे सब्सक्राइबर्स में से कोई होगा, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो शायद आपको ही मिल सकता है। तो जस्ट कमेंट करके जाओ, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो, एंड लाइक ऑन दिस वीडियो, कीप कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो, एंड शेयर कर दो दोस्तों को, क्योंकि क्या पता कोई भी विनर हो सकता है, 10 में से कोई भी हो सकता है, सो यू नेवर नो। सो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एंड एक और मेरा चैनल है जिसका नाम है अंसारी हसनैन 92, जहाँ पे मैं बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, तो वहाँ पे भी आप जाकर के थोड़ा वो चैनल को एक्सप्लोर कर लो और उसको भी शेयर कर लो, और अगर आपके लिए कोई अगर वो बेनिफिट साबित हो रही है तो फिर उस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट नॉलेजेबल थिंग इन द वर्ल्ड। कुछ एजुकेशन नॉलेजेबल कही, सो खुदा हाफिज़ की हमारे लिए शब्बा खैर, दुआ में याद रखना, चलो चलते हैं। एंड गाइज 500 सब्सक्राइबर्स कैसे भी करके पूरे कर दो, सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करते रहो, मेरी नज़र में बन के रहो, मैं चूज करूंगा कौन लकी विनर होगा और उसको मैं खुद आ करके टी शर्ट दूंगा। ओके सो चलो चलते हैं, चलो 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 चलो, 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 चलो।